तो 5000 साल पहले वहां पर मंदिर हो सकता है या महल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये इस बात को सिद्ध करता है कि जब मंदिर की खुदाई की गई तो वहां पर रेत मिली और रेत के नीचे जो है सरयू नदी मिली। इसका एक प्रमाण यह है कि वहां पर कोई महल नहीं था, वहां पर कोई मंदिर नहीं था, वहां पर कोई स्थायी ढांचा नहीं था, और इस बात को छिपाने के लिए ये अब कह रहे हैं कि हम इसकी सारी बाउंड्री करेंगे और ऐसे बनाएंगे जैसे यहां पर परमाणु बम बन रहा हो, कोई राम मंदिर ना बन रहा हो। तो इसका मतलब यह है कि सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायिक अपने तराजू पर तोली वो सारी गलत निकली, लेकिन वो भी जो है उनके मन में भी एक तरह से एक हिंदुत्व हावी हो गया और उन्होंने कहा यह मंदिर बनना चाहिए। दोस्तों आदाब, मैं निसमत खान हिंद से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। रविंद्र कुमार जी, आपसे एक सवाल पूछना है, आप वकील भी हैं, बहुत सीनियर वकील हैं। ये जो राम मंदिर जहाँ बन रहा था, बाबरी मस्जिद जहाँ से गिराई गई थी और मुसलमान कहते हैं शहीद की गई थी, क्योंकि मुसलमानों में कोई भी धर्म स्थान गिराते नहीं है, शहीद किया जाता है, वो शहीद की गई थी। तो वहाँ पे 400 साल से बाबरी मस्जिद थी और इंटैक्ट खड़ी थी, यानी जब उसका विध्वंस कर दिया तो उसके बाद भी चबूतरा बचा रहा था। उसका चबूतरा तोड़ के जब बनाने लगी उसमें, तो उसमें जाने करके स्नेक निकलने लगी। और साथ ही ये है कि दूसरी तरफ ये देखिए कि पहले भी बहुत बड़ा चंदा आया था, ईंटों से लेके चांदी सोने की पैसा ही बहुत आया था, उसका कोई हिसाब नहीं है। इसमें स्नेक निकलने लगा और चंदा यात्राएं होने लगी। मध्य प्रदेश में 3 जगह दंगे हुई चंदा यात्रा में, वो आप जानती हैं जी। वो भी इंदौर जैसे शहर के आसपास, उज्जैन इंदौर जैसे शहर के आसपास 3 दंगे हो गए। तो ये क्या बताता, कोरोना के जैसे आता है ना, जब ये माफ कीजिएगा, जब कोई भवन बनता है तो उसकी तस्वीरें आने लगती है अखबारों में, कितना बन गया, ये बन गया, ये विजिट करने गए। हमारे मोदी जी तो हर चीज़ को विजिट करने जाते, तो वहाँ तो अयोध्या एक ही बार गए हैं। तो अब आप ये बताइए कि ये इतना क्या है, इसमें मसला क्या है, क्यों ये निकल रहा है, क्यों ये इसकी फोटो नहीं आ रही, कितना बन गया, एक खंभा बन गया, 2 खंभे बन गए, क्यों नहीं आ रहा है यार? राम मंदिर जो है एक भारतीय इतिहास का एक बड़ा विचित्र और अद्भुत चीज़ है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ विचित्र किंतु सच्य जी। और ये विचित्र किंतु सत्य इसलिए है क्योंकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा, और या समझिए जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो भगवान राम को, हम लोग ये मानते थे कि भगवान राम जो है एक पौराणिक व्यक्ति है, मिथकीय व्यक्ति है, और वो ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं। मिथिक और इतिहास में फर्क ये होता है कि जैसे कोई पोल कल्पना चल रही है, उसको आप बढ़ाते बढ़ाते वो जनश्रुति बन जाती है, लोग उसे मानने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। जैसे कबीर के बारे में आप देखेंगे कि कबीर दास ने वो सबसे ज़्यादा जो है भगवान की, राम की आराधना करते थे, और कबीर वाणी में ही राम का सबसे ज़्यादा जिक्र आता है, और कबीर के जितने दोहे हैं, जितनी बातें हैं, उन्हीं को गुरु ग्रंथ साहब में जो है समाहित किया गया है, और इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में भी भगवान राम का जिक्र बार बार आता है, राम 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 शब्द आता है। लेकिन भगवान राम और अयोध्या में पैदा हुए राम, इन दोनों में फ़र्क है। राम को जो सामाजिक लोगों में, जीवन में जो एक तरह से ये बात मन में बैठाई गई कि राम जो है अयोध्या में पैदा हुए थे, वो गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखी, तो उससे शुरू हुई। अब हम आते हैं कि रामायण में जिक्र आता है, जो वाल्मीकि लिखित रामायण है, कि सरयू नदी में सबसे पहले भगवान लक्ष्मण ने अपनी जो है देह त्यागी। अच्छा, जल समाधि ली। जल समाधि ली, उसके बाद भगवान राम ने सरयू में जल समाधि ली। सरयू में ही ली, सरयू में। और इसीलिए सरयू को ये पाप है कि जब भी कोई आदमी अयोध्या जाए वो सरयू नदी में ना नहाए। अच्छा। क्योंकि अगर वो नहाएगा तो वो नरक वासी होगा, नरक गामी होगा, नरक में जाएगा। दो बड़े महा क्योंकि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण की उसमें जो है देह त्यागने के कारण वो अपवित्र हो गई। अब इस श्राप के चलते चलते जो है ये बात उठी जब 1948 में कि बाबरी मस्जिद में भगवान राम प्रकट हुए और उनकी मूर्ति वहाँ रख दी गई। और उसके बाद आपने देखा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद, जैसे मुसलमान कहते हैं शहीद हुई, और हिंदू लोग कहते हैं कि हमने उसे ढा दिया, ढा दिया कि कलंक के प्रतीक को हमने ढा दिया। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला,
आप सुप्रीम कोर्ट में चला दो, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा विचित्र फैसला है, जो मैं तो एज ए यानी मैं कानून पढ़ता हूँ, अकल की बात कर सोचता हूँ और कई बार मैं सत्य अन्वेषण करने की कोशिश करता हूँ, तो उस फैसले में तीन बातें बड़ी विचित्र लिखी गई कि पहली बात तो मूर्तियाँ वहाँ जबरदस्ती रखी गई, दूसरी ये कि मस्जिद को ढहाना जो है एक आपराधिक कृत्य था, तीसरा यह है कि जो मस्जिद थी उसके नीचे कोई मंदिर नहीं था, और चौथी बात यह है कि जो जिन लोगों ने मस्जिद ढहाई उनको सजा मिलनी चाहिए। और ये चार बात कहने के बाद बड़े पांच विद्वान जो न्यायाधीश थे उन्होंने कहा लेकिन यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए क्योंकि ये जन आस्था का विषय है। तो इसका मतलब यह है कि सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायिक अपने तराजू पर तोली वो सारी गलत निकली, लेकिन वो भी जो है उनके मन में भी एक तरह से एक हिंदुत्व हावी हो गया और उन्होंने कहा यह मंदिर बनना चाहिए। अब ये सवाल है कि हिंदुओं के बीच में ये मान्यता 70 साल में बैठाई गई है कि भगवान राम जो है जिस जगह पैदा हुए वह वही जगह है जहाँ बाबरी मस्जिद थी, जबकि आप अयोध्या जाएंगे तो वहाँ पर 17 ऐसी जगह हैं जहाँ के मंदिर ये दावा करते हैं कि ये भगवान राम का जन्म स्थल है। मैं और बहुत सारे लोग जो अकल की बात सोचते हैं वो हमेशा कहते हैं कि राम जो थे कौन थे, राम दशरथ के बेटा थे, दशरथ कौन थे, दशरथ राजा थे, राजा का बेटा कहाँ पैदा हुआ, महल में पैदा हुआ, तो महल कहाँ था, जहाँ राम पैदा हुए वो महल होना चाहिए। अब उस महल को ढूंढने के लिए ही जो है बाबरी मस्जिद ढहाने का मामला किया गया, और जब उस जगह को अब मंदिर बनाने की बात शुरू की गई बड़े जोर शोर से, तो पता चल रहा है कि मंदिर की जो जमीन है उसके 200 फीट नीचे जो है रेत है और रेत के नीचे सरयू बह रही है। इसका मतलब जो है अगर हम ये माने कि 5000 साल, क्योंकि मानवीय सभ्यता का इतिहास ये बताता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता के बाद कि आदमी ने सबसे पहले मकान बनाना जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में सीखा, हाँ, और उसी के प्रमाण और अवशेष हमें मिलते हैं, तो 5000 साल पहले वहाँ पर मंदिर हो सकता है या महल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये इस बात को सिद्ध करता है कि जब मंदिर की खुदाई की गई तो वहाँ पर रेत मिली और रेत के नीचे जो है सरयू नदी मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर पहले कोई अयोध्या में कोई महल नहीं हो सकता, उस जगह पर रेत पे कोई महल नहीं बनाएगा, ये तो एक तरह से लोकोक्ति है कि रेत पे महल बनाना तो वो नहीं हो सकता, और इसका मतलब ये है कि जो पूरा आडंबर 70 साल में खड़ा किया गया गलत है। अब सवाल ये है कि पोल खुल जाएगी, आपने जो कहा और मैं भी मानता हूँ कि जब भी कोई मंदिर बनता है, मस्जिद बनती है, कोई गुरुद्वारा बनता है तो कार सेवा करते हैं लोग, उसमें सहयोग करते हैं, ईंट दर ईंट जो रखी जाती है जनता के सामने और जनता लगाती है। अब जो है यूपी सरकार ने और राम मंदिर जन राम जन्मभूमि जो निर्माण न्यास है वो कह रहा है जी इसको गुप्त रखा जाए, इसमें जो है किसी को आने की इजाज़त ना हो, कोई आकर यहाँ पर ये ना देखे निर्माण कैसे हो रहा है, कोई आकर ये ना देखे किन मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, कोई आकर ये ना देखे किस सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब अयोध्या के नाम पर जो ईंटें जो है हमने लोगों से इन्होंने इकट्ठी की थी 1 रुपया और 1 ईंट, वो एक फ्रॉड था। और दूसरी बात यह है कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जब 5 अगस्त को मोदी जी ने वहाँ पर आधारशिला रखी, शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया, तो उसके बाद 7 महीने में वहाँ पर 12 खंभे खड़े किए गए, और वो खंभे जब खड़े किए गए तो जैसे ही वो खड़े किए जाते थे तो वजन से वो जो है टेढ़े हो जाते थे, और जब वो टेढ़े हो गए तो ये बात हुई कि भाई ये खड़े क्यों नहीं हो रहे, तो जब खुदाई की गई तो भूगर्भ वैज्ञानिक जिसे हम बोलते हैं उन्होंने बताया कि भाई ये नीचे तो जो है रेत है और रेत के नीचे सरयू नदी बह रही है, तो इसका एक प्रमाण ये है कि वहाँ पर कोई महल नहीं था, वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, वहाँ पर कोई स्थायी ढांचा नहीं था, और इस बात को छिपाने के लिए ये अब कह रहे हैं कि हम इसकी सारी बाउंड्री करेंगे और ऐसे बनाएंगे जैसे यहाँ पर परमाणु बम बन रहा हो, कोई राम मंदिर ना बन रहा हो, क्योंकि बड़ी गुप्त रखने वाली बात है। अब ये गुप्त रखने वाली बात जो है भाजपा के गले में और ये जो हिंदू महासभा है उसके गले में और ये जो ट्रस्ट के लोग हैं इनके गले में और RSS के गले में एक पत्थर की तरह लटक गई है कि हम जो है किसी को घुसने नहीं देंगे, बताएंगे नहीं, क्योंकि अब ये जो है हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों से और हिंदुस्तान की निर्माण कंपनियों की जगह जो है विदेशी कंपनियों का सहयोग लेकर एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जो कि नदी पर बहता हुआ मंदिर हो या नदी की बालू पे बना हुआ मंदिर हो, और इसलिए उसको छिपाने के लिए कि ये जो है राम के नाम पे तो पत्थर तैर जाते थे, हमारे उसमें रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है पत्थर पे लिख दो राम तो वो तैरता है, और ये जो है राम के लिए मंदिर के लिए जो खंभा डालते हैं वो हिल जाता है,
तो इसका मतलब ये जो है राम और जिसे हम कहते हैं विश्राम, दोनों में जो है एक तरह का द्वंद है और ये उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिद्ध करता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला राम जन्मभूमि मंदिर पे दिया है वो झूठा था, बेकार था और बेईमानी का था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने उसका दूसरा पहलू बताया, क्योंकि आजकल चर्चा का विषय है और सोशल मीडिया में तो बहुत पहले से आने लगा था, लेकिन अब बाकायदा एजेंसी रिलीज कर रही हैं और अखबारों में फ्रंट पेज न्यूज भी बन रही है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, जिसके लिए इंडिया के जितने IITs हैं उनसे और टाटा कंसल्टेंसी से और कई जगह से सलाह ली जा रही है कि आखिर इसका क्या करें, कैसे बनाएं। ये तो दलदल में महल बनाने वाली बात है, हो सकता है बना लें, हो सकता है ऐसा आशीर्वाद मिल गया हो तो बना लें, वो तो उसके लिए तो कोई मुमकिन नहीं, हमारे यहाँ पर मोदी जी है तो सब मुमकिन है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त है।